आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर इन दिनों पूरा देश अमृत उत्सव मना रहा है। तिरंगे को लेकर हर कोई जागरूक दिख रहा है। वहीं इस क्रम में इंदौर के गौतमपुरा में मुस्लिम समाज ने भी विशाल वाहन तिरंगा यात्रा निकालकर इस महोत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। गौतमपुरा क्षेत्र में दोपहर 2 बजे से मुस्लिम समाज ने विशाल तिरंगा यात्रा गौतमपुरा के विभिन्न मार्गों से निकाली। गौतमपुरा थाने पर पहुंचकर थाना प्रभारी भगत सिंह ठाकुर सहित सभी पुलिस कर्मियों का स्वागत किया। चंबल नाके पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया गया। रणजी नाके पर पूर्व वन मंत्री स्वर्गीय दादा निर्भय सिंह पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया व शक्ति मंदिर नाके पर स्वर्गीय भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मुस्लिम समाज के युवा भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, हम सब एक है के नारे लगाते रहे। शासन के आदेश के अनुसार हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रति सम्मान एवं महत्व की भावना को जन जन तक पहुंचाने एवं व्यापक स्तर पर देश प्रेम की भावना जागृत करने के उद्देश्य से हर घर में तिरंगा लगाने हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दोपहर न्यूज के लिए देपालपुर तहसील के गौतमपुरा से अनिल कुशवाहा की रिपोर्ट।